आज हम बात करना रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की नियमित के बारे में। तो 28 मार्च से यहाँ पर शुरू हो रही है 10वीं और 12वीं की परीक्षा, और यहाँ पर सचल दस्त प्रभारी ने यहाँ पर जो है सदस्य में जो है पत्नी शिक्षिका को यहाँ पर किया शामिल। तो यहाँ पर देख सकते गढ़वाल मंडल के परीक्षा केंद्र में जो है संचालित बोर्ड परीक्षाओं को जो है यहाँ पर नकल विहीन बनाने को लेकर जो है अपर निदेशक गढ़वाल मंडल की ओर से यहाँ पर जो है प्रभारी सचल दस्त यहाँ पर जो है 5 सदस्य यहाँ पर जो है इस दल में यहाँ पर अपनी पत्नी जो शिक्षिका है उसको भी शामिल कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है धामी का जो है शपथ ग्रहण आज यहाँ पर होना है, और पीएम मोदी जो है और शाह और नड्डा समेत जो है कई दिग्गज यहाँ पर आएंगे, और लगभग जो है दोपहर 1 बजे से यहाँ पर शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। और वहीं बात करें यहाँ पर दून के परेड ग्राउंड में यहाँ पर होगा शपथ ग्रहण समारोह, और मंत्री भी यहाँ पर लेंगे शपथ। तो देख सकते हैं 12वें मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर जो है उत्तराखंड में मोदी और यहाँ पर जो शाह है उनके अगुवाई में यहाँ पर जो है शपथ लेंगे धामी आज। और बात करें उत्तराखंड में जो है बोर्ड परीक्षाओं के जो है इस साल जो है 21 नए परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, उसको लेकर यहाँ पर जो है 28 मार्च से शुरू होने वाले हैं, और 1333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और इसमें यहाँ पर इस साल 21 जो नए परीक्षा केंद्र हैं वो नए बनाए गए हैं, और जिनमें यहाँ पर है नकल विहीन करने को लेकर राज्य मंडल और जिला स्तर पर जो है सचल दस्त जो है बनाए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर अब कक्षा में जो है मोबाइल का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे शिक्षक, तो ये काफ़ी बड़ा अपडेट आ गया है। अब जो है स्कूलों में जो है शिक्षक मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। स्कूल समय में यहाँ पर शिक्षकों के जो है मोबाइल इस्तेमाल के रोक पर जो है यहाँ पर डीएम ने लागू कर दिया गया है, और स्कूल पहुँचने पर जो है शिक्षकों को जो है मोबाइल जो है कार्यालय में जो है जमा करना होगा, और आदेशों के उल्लंघन पर जो है कार्रवाई भी की जाएगी। जो यहाँ पर आदेश नहीं मानेंगे उसके खिलाफ जो है प्रशासनिक कार्रवाई भी करी जाएगी। एनसीईआरटी पर आधारित होगी दाखिला परीक्षा। यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो है डीयू और जेएनयू समेत जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों के जो है दाखिले को प्रस्ताव जो है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट लेने की जो है आपका यहाँ पर एक कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा, और वहीं यहाँ पर पाठ्यक्रम जो है जो आपका एनसीईआरटी बेस में क्लास 12th की जो है किताबों पर आधारित होगा, और यहाँ पर जो है सीयूईटी के अंकों के आधार पर ही यहाँ पर जो दाखिला मिलेगा, और छात्रों को जो है ऊंची कटऑफ से यहाँ पर राहत देने के लिए यह जो है पहल की गई है ऐसा बताया गया है, और तनाव मुक्त यहाँ पर कवायद शुरू कर दी गई है डीयू में। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में कई युवा ऐसे हैं सड़कों पर जो है प्रदीप जैसे मिले हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रदीप जो है सड़क पर दौड़ते हुए यहाँ पर जो वायरल हुआ वीडियो, और ऐसे कई युवा और भी हैं उत्तराखंड में जो अभी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्मी की भर्ती लगभग जो है 2 साल से नहीं आ रखी है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है जल्द भर्ती शुरू करने की अपील यहाँ पर कर रहे हैं। युवाओं को जो है आयु सीमा पार करने का जो है सता रहा डर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि युवाओं को जो है क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जो है इनकी 20 साढ़े 20 साल तो यहाँ पर रहती हैं, तो एज निकल जा रही है कई लोगों की, 2 साल से भर्ती नहीं आ रखी है, तो इसी वजह से जो प्रशासन शासन से यहाँ पर जो है कई लोगों ने जो है गुहार लगा रखी है ताकि बेरोजगारी कम हो, और 1 साल में जो है लड़की जो फौज की भर्ती है उसको परीक्षा करा दें, और जल्द से जल्द यहाँ पर जो है इनकी नई जो है भर्ती है निकाल दें, इस तरह की मांग कर रखी है। और प्रदीप की मांग का इलाज जो है करने में जो है मदद करेगा जिला प्रशासन। और वहीं पिथौरागढ़ और चंपावत के यहाँ पर जो है 12 स्कूलों में जो है जल संकट है, तो स्कूलों में जो है जल संकट यहाँ पर हो चुका है, लगभग जो है 12 स्कूल ऐसे हैं पहाड़ों में जहाँ पर जो है जल की कमी है। और वहीं बात करें यहाँ पर मेडिकल सीटों की संख्या जो है 75% यहाँ पर जो है बढ़ी, तो यहाँ पर देखते हैं कि मंगलवार को जो है सरकार की ओर से जो डॉक्टर उपलब्धता बढ़ाने को लेकर विभिन्न कदम उठाए गए हैं, और यूजी स्नातक स्तर पर जो है मेडिकल सीटों की जो संख्या है 75% है वो बढ़कर यह लगभग जो है इतनी हो गई है, जो कि 2014 से पहले जो है 51,000 के करीब था, लगभग जो है अब यहाँ पर 90,000 के करीब यहाँ पर हो रही है। और पहली बैठक में यहाँ पर हो सकते हैं अहम फैसले, तो यहाँ पर देख सकते हैं बुधवार दोपहर बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह के तत्काल बाद जो है धामी दो सरकार की जो है पहली जो कैबिनेट बैठक है वो होनी है, इन पर जो है अहम जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो ले सकते हैं। सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि यहाँ पर जो है कैबिनेट जो है समान नागरिक संहिता लागू करने का जो प्रस्ताव है वो कर सकती है, साथ ही यहाँ पर जो है जन कल्याणकारी योजना की जो है घोषणा कर सकती है। तो यहाँ पर क्योंकि आज शपथ ग्रहण होने हैं उसके बाद फैसला होगा, कैबिनेट बैठक होगी, वहाँ पर जो है महत्वपूर्ण फैसले जाएंगे, अपना घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं सीएम आज। और वहीं बात करें यहाँ पर याचिकाओं को जो है यहाँ पर मुख्य परीक्षा में जो है शामिल किया जाए हाईकोर्ट, हाईकोर्ट का काफ़ी बड़ा आदेश है भर्ती परीक्षा को लेकर, जो लोग कोर्ट गए थे उनको जो है यहाँ पर परीक्षा में जो है बैठने का जो है मौका मिला है, तो हाईकोर्ट के फैसले को लेकर जो है मंगलवार को
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में यहाँ पर कराई गई जो यहाँ पर परीक्षा थी आपकी पीसीएस की, उस पर 12 सवाल प्रश्न हटाए गए को लेकर जो है इन्होंने याचिका दाखिल करी है। तो इसी वजह से अब लोक सेवा आयोग ने इनको मुख्य परीक्षा में बैठने की जो है इजाज़त जारी कर दी गई है, और याचिकाकर्ताओं के लिए यहाँ पर कहा गया है कि 3 सप्ताह के भीतर जो है आयोग से यहाँ पर जवाब मांगा है। जवाब अब मांगा है कि प्रश्न क्यों डिलीट करे, क्या हुआ, तो उसका जवाब जो है आयोग से मिले हैं। और 12 प्रश्नों को लेकर यहाँ मामला चला हुआ था, और इसके जो यहाँ पर मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 25 मार्च रखी गई है, और लगभग जो है अगस्त में इसकी मुख्य परीक्षा भी हो जाएगी, और मुख्य परीक्षा जो है अगस्त में बताई गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर केंद्र की ओर से अब जो है ऊर्जा बदलाव से यहाँ पर लगभग जो है 32 लाख लोगों को यहाँ पर मिलेगी नौकरी। तो 32 लाख जो है नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री बोले जो है बदलाव से यहाँ पर जो है आयातित ईंधन की ईंधन पर जो है घटेगी निर्भरता। तो यहाँ पर लगभग जो है 32,000 लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर अप्रैल जून तिमाही में जो यहाँ पर तेज भर्ती करेगी कंपनी। तो यहाँ पर देखते हैं कि लगभग जो है देश में 38% कंपनियाँ जो है अगले 3 महीने यहाँ पर अप्रैल जून तक जो है यहाँ पर तिमाही में जो है तेज़ी से यहाँ पर भर्ती करने वाले हैं, और जो भी केंद्र की भर्तियाँ होंगी उन पर जो है तेज़ी से यहाँ पर लाया जाएगा। सचिवालय सुरक्षा संवर्ग भर्ती का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो योग्यता परीक्षा की ओर से भर्ती का जो रिजल्ट यहाँ पर सचिवालय संवर्ग में रक्षक के उसका रिजल्ट हो चुका है जारी, और यहाँ पर जिनमें से यहाँ पर 8 सवालों को जो है परीक्षा में जो है हटा दिया गया। तो 8 सवाल ऐसे थे जिन पर हटा दिया गया है, और वहीं यहाँ पर 15 दिन का समय दिया गया है यहाँ पर अनापत्ति को लेकर, और फिजिकल की जो डेट है वो जल्दी जारी हो जाएगी। और वहीं इसके साथ साथ यहाँ पर CUET के लिए यहाँ पर जो है श्रीनगर में बनाया परीक्षा केंद्र। अब देखिए दोस्तों, जो भी केंद्र की विश्वविद्यालय में अगर दाखिला लेना चाहते हैं उसके लिए विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराएगा। ये आपके NCERT बेस पर रहेगा, क्लास 12th की बेस पर। इसके लिए यहाँ पर परीक्षा केंद्र जो है यहाँ पर श्रीनगर में भी बना दिया गया है, और यहाँ पर इस संबंध में 21 मार्च को यहाँ पर UGC ने जो है नोटिस भी जारी कर दिया गया है, और विश्वविद्यालय में जो है एक ही प्रवेश होगा जिसके आधार पर आपका एडमिशन कर दिया जाएगा। वहीं बात करें यहाँ पर प्रमोट करें या परीक्षा तिथि यहाँ पर आगे बढ़ाएं, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय से आप जो है ABP कार्यकर्ताओं ने कहा गया है मंगलवार को जो है MBBG कॉलेज में प्राचार्य NS बनकोटी के माध्यम से आप जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय को यहाँ पर ज्ञापन भेजकर छात्रों को जो है प्रमोट करने या परीक्षा जो है तिथि आगे बढ़ाने की यहाँ पर मांग किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर परीक्षा PCS मेन्स परीक्षा जो है आपकी 20 से 23 अगस्त तक होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो है अपर PCS की परीक्षा जो आपकी मेंस परीक्षा है उसकी तिथि घोषित कर दी गई है। इसका प्री एग्जामिनेशन भी आपका 3/4 को होना है, और इससे उसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा होगी वो आपको अगस्त में होगी, जो कि निर्धारित तिथि कर दी गई है 20, 21, 22 तारीख को यहाँ पर इसकी निर्धारित तिथि कर दी गई है, और 3 अप्रैल को इसका मुख्य परीक्षा कर दिया जाएगा, और 10 अगस्त 2021 को यहाँ पर विज्ञप्ति इसकी जारी कराई गई थी। 318 पदों की भर्ती यहाँ पर जो है निकाली गई थी UPSC के द्वारा। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय की परीक्षाएं यहाँ पर 4 अप्रैल से। तो यहाँ पर देख सकते हैं शोभन सिंह विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ पर स्नातक वार्षिक पद्धति के प्रथम सेमेस्टर के जो छात्र हैं व्यावसायिक जो शिक्षा अध्ययन कर रहे छात्र हैं उनके जो है यहाँ पर सभी सेमेस्टर के जो छात्रों की जो है सुधार परीक्षा बैक परीक्षा आयोजित समय जो है कई अन्य निर्णय लिए गए हैं, और प्रशासनिक भवन में जो है आयोजित परीक्षा बैठक में यहाँ पर निर्णय लिया गया है, और इनका जो यहाँ पर प्रथम सेमेस्टर के जो अभ्यर्थी हैं सभी की यहाँ पर जो है परीक्षाएँ शुरू कर दी जाएंगी। और साथ में जो है यहाँ पर कहा गया है कि स्नातक एवं स्नातक द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों के अंक प्रविष्ट करने का निर्णय भी यहां पर लिया गया है, और 3 पालियों में जो है परीक्षा कराने का यहां पर ऐलान भी किया गया है। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर, यहां पर देख सकते हैं कि रेलवे परिवहन संस्थान में यहां पर जो है परिवहन अर्थशास्त्र एवं प्रबंधक और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए यहाँ पर 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल साइट पर। और वहीं यहाँ पर बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधक संस्थान यहाँ पर भी जो है प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की 30 मार्च तक जो है आवेदन कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल साइट में। और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान हरियाणा यहाँ पर भी वैकेंसी निकल के आ रखी है, 1 मई तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल साइट में जाकर। और वहीं यहाँ पर 583 जो यहाँ पर JEE में जो है वैकेंसी निकल गई है, इसके लिए यहाँ पर जो है हाईस्कूल पास अभ्यर्थी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 26/3 तक आपको आवेदन करना है, इसकी ऑफिशियल साइट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 29 पदों पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भर्ती निकली है, इसके लिए यहाँ पर 30 साल तक अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन जो कर अभ्यर्थी उनके लिए बोला गया है, और 18/4 तक जो है इसकी लास्ट डेट है, और इसकी जो ऑफिस साइट है यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। 24 पदों पर जो यहाँ पर IIT धनबाद में भर्ती निकली है जूनियर सुपरिटेंडेंट के, इसके लिए यहाँ पर जो है कैंडिडेट को यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, और लेटेस्ट 30/3 तक जो है आवेदन करना है, इसकी ऑफिस साइट यहाँ पर जारी करेगी, यहाँ से आवेदन कर सकते हैं।
बात करें KBS में जॉब अलर्ट को लेकर, तो यहाँ पर अल्मोड़ा में वैकेंसी निकल के आ रखी है। इसकी लास्ट डेट आपकी 28 मार्च 2022 को रखी है। इसके लिए यहाँ पर जो है आपको इंटरव्यू के दिन ही यहाँ पर पंजीकरण करना पड़ेगा, 9 से लेकर 10 बजे के बीच में 28 तारीख को। इसमें यहाँ पर PGDT, DGT और प्राथमिक लेवल के शिक्षक आपकी भर्ती निकली है। इसमें आपको हिंदी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और यहाँ पर जो है अर्थशास्त्र वाणिज्य रखा गया है। PGT में, TGT में अंग्रेजी और SST के लिए है, और वहीं PRT में जो है अब वैकेंसी निकल के रखी है। साथ ही यहाँ पर जो है स्टाफ नर्स, कंप्यूटर प्रशिक्षक आदि पोस्ट निकल के रखे हैं। इसके लिए आप योग्यता देख सकते हैं, यहाँ पर जो है लिखा गया है। और इसके लिए आपको जो है डायरेक्टली आपको इंटरव्यू में जाना है 28 को, और उसी दिन यहाँ पर पंजीकरण आपका वहीं पर हो जाएगा।